राम राम जी, स्वागत है आपके अपने चैनल जय फिटनेस में। मैं आज आपको फुल बॉडी वर्कआउट करवाने वाला हूं कि घर पे फुल बॉडी वर्कआउट कैसे करें। जो भी हमारे बिगिनर भाई हैं वो घर पे अपने कर सकते हैं, छत पे, अपने घर के अंदर, पार्क में फुल बॉडी वर्कआउट स्टार्टिंग जो कर रहे हैं उनके लिए। वॉक कर लेते हैं, पहले जंपिंग क्लैपिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या 10-10 के दो सेट लेंगे, एक ले लिया, एक और लेंगे हम 10-15 सेकंड का रेस्ट, इसके बाद दोबारा फिर। तो 10-2 हो गए, इसके भी 10-2 सेट लेंगे। उसके बाद अपनी पहले एक से स्टार्ट करते हैं पुशअप। पुशअप के हम 10-15 रैप रखेंगे, हाथों को शोल्डर के हिसाब से खोलना है। इस तरह से आपको वीडियो पर लगाते हुए दिखाई दे रहा है, इसी तरह आपको 10-12 रैप 4 सेट लेने। हर सेट में आप 10-15 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का, उससे ज़्यादा ना लें। बीच में अगर आपको प्यास लगती है तो पानी भी पी सकते हैं। आपको 15-15 सेट लेने, 10-15 आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। आप 10 सेट भी, 10-10 रैप भी निकाल सकते हो और 10-15 के बीच में निकाल सकते हो। चारों में 4 सेट लेने आपको, हर एक सेट में 10-15 रैप के बीच। अब पहली एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है चेस्ट की, दूसरी करेंगे हम लेग्स की। लेग्स की सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए स्क्वाट, शोल्डर के हिसाब से पाम खोल लें, जितने शोल्डर हो उतना ही हाथ आगे कर लो अगर आपका बैलेंस नहीं बनता तो। एल सेप में नीचे जाना है, ऊपर आना है। इसके भी आपको 4 सेट लगाने हैं और हर सेट में 12-15 रैप रखने हैं, क्योंकि आप घर में कर रहे हो विदाउट वेट, बॉडी वेट से। अगर इसमें आप 15 रैप नहीं रखेंगे तो बॉडी फटीक, मसल फटीक नहीं होएगा। पहला सेट हो गया, 20 सेकंड का रेस्ट, फिर दूसरा सेट स्टार्ट करना। अच्छा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब तीसरी एक्सरसाइज है शोल्डर की, लेंगे हम तीसरी एक्सरसाइज शोल्डर के लिए। मैंने ये घर में डंबल बना रखे हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप ईंट ले सकते हो। ईंट लेके आपको डंबल प्रेस, ईट प्रेस कर लो, डंबल प्रेस कर लो।
में भी आपको 12 रैप निकालने हैं, 4 सेट लेने हैं ये शोल्डर के लिए। इसी तरह जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया है इसी तरह 4 सेट लें आप। इसके भी आप 4 सेट लें, 10 से 12, 15 रैप जितने आप पे लिख रहे हैं, और उससे 10 से कम नहीं लेने, कम से कम 10 रैप निकालें। और आप बाई चेस्ट और ट्राई चेस्ट को ट्रेन करेंगे। डंबल या ईंट हो आपके पास, जो भी अवेलेबल हो, दोनों आते हैं। 14, 15। मैंने इसमें 15 रैप मारे हैं, लेकिन आप बिगिनर हो तो आप 10 रैप निकाल लो। आप सिंगल हैंड से भी ले सकते हैं, पर ऐसे गिनती होगी एक हाथ से 10, मतलब 20 होने चाहिए दोनों हाथों से, और उसमें एक साथ गिनती हो रही थी इस तरह से, 10 हिस्से टोटल 20। ये हमारे बाइचेप्स के लिए हमें ट्राइसेप्स मारने हैं। ट्राइसेप्स के लिए सिंपल सिंगल हैंड से नीट को पकड़ के नीचे लाना है, बस दोनों हाथों से ऐसे 10 रेप 15 15 निकालना है। देख रहे हो आप ट्राइसेप्स मार रहे हैं, और ट्राइसेप्स आप दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं। डायमंड टिप दोनों हाथों को क्लोज करके ट्राइसेप्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है जाना ऊपर सीधा। लेकिन आप बिगिनर हैं तो आप तो लगेगा नहीं अभी, कि आप 10 से 15 रैप निकाले, बहुत बढ़िया ट्राई चेक पैसा आएगा। आप देख रहे हैं फुल बॉडी वर्कआउट आपका कंप्लीट हुआ। रिकवरी के लिए आप 150 से 200 ग्राम पनीर ले लें, सोया चंक्स ले सकते हैं जो सोयाबीन बड़ी बोलते हैं, और या आप चने, हरी मूंग, सोयाबीन और आप मूंगफली के गिरी ये भिगो के रख दें और वर्कआउट के बाद अपने ले लें। बहुत अच्छा रिकवरी के लिए सोर्स है ये, हाई प्रोटीन है। और नॉन वेजिटेरियन है आप 5 से 6 अंडे ले सकते हैं, 2 पूरे अंडे और 4 का पीला वाला भाग निकाल के, एग वाइट। थैंक यू।